ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਓ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ बंद जुबाना जन सूरज के तारे सिर्फ एक ही बात है इस तरफ से इतने हम यहाँ पे बैठे हैं ये हिल जानी चाहिए जगह लेट्स से अगेन हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन आए खुदा तू आसमान पर सरफराज तेरा जलाल सारी जमीन पर आमीन हालेलुया आज हम क्यों यहाँ पे इकट्ठे हैं आपको पता है कोई नहीं पता ग्लोरी टीवी के बर्थडे के लिए 9 साल हो गए हैं प्रेज द लॉर्ड खुदावंत का शुक्र हो जोर से ताली बजाते हैं खुदावंत का शुक्र करें उसने हमें 9 साल तक अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया
और ये सब आप लोगों की सपोर्ट से, और जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे और देख रहे हैं और सुनेंगे, इन सब की सपोर्ट। और ख़ास तौर पे खुदा ने अपने बंदों को चुना इस काम के लिए, वो हैं जनाब सरफराज और हमारी बहन पैम और उनका परिवार। खुदा उनका शुक्र हो इस खानदान के लिए कि उन्होंने अनथक मेहनत के साथ इस चैनल को चलाया और अभी भी चला रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो ये चलता ही रहेगा जब तक खुदा ना आए। उसका शुक्र करें। और हम सब खड़े होके दुआ करके इस दिन के लिए और गुजरे सालों की तमाम उन बरकत के लिए जो खुदा ने हम सबको दे रखी हैं, और तमाम उन अजीज़ों को भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके वास्ते भी दुआ करें कि वो इसी में लाएं कि जो अभी तक अंधेरे में हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपनी आंखें बंद करें, और अगर आप भी मेरे साथ दुआ करना चाहते हैं ऊंची आवाज में, आप ज़रूर शामिल हों, क्योंकि आज हम खुदा की प्रस्तुति के लिए इकट्ठे हुए हैं और उसकी सताइश और उसका शुक्र करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दीदो। तो आप इस खुशी के मौके को खुशी के साथ मनाएं, तमाम गम जो है बाहर रहने चाहिए। ये जगह पे खुदा का आज रूह हाजिर है, उस रूह को अपने अंदर हम लें और उसकी हमद व तमजीद करें और उसका शुक्र करें। आए हम सब दुआ करें। खुदा तेरा शुक्र हो इस दिन के लिए, इस शाम के लिए कि तूने हम सबको आज इकट्ठा किया है। खुदा ये तेरी मर्जी है कि हम तेरे हजूर में हाजिर हुए हैं, क्योंकि तू चाहता था कि हम तेरे हजूर में आ करके तेरे नाम की सताइश कर सकें। उन गुजरे सालों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, उन तमाम बरकत के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावन जो तूने हम सबको दे रखी हैं। ख़ास तौर पर खुदावन हम इस खानदान के लिए सरफराज पैम और इनके बच्चों को तेरे हजूर में मखसूस करते हैं एक दफ़ा फिर, कि खुदा उनके इसी तरह तुझ में कायम रहे और इसी तरह वफादारी के साथ तुझ में तेरा काम करते रहें। और ये चैनल जो इनको तूने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है खुदा, उन ये मुसीबतों से घबराए नहीं बल्कि हमेशा साबित कदमी के साथ तुझ में बंधे चले जाएं और तेरे नाम को जलाल पहुँचाते जाएं। तू हमें भी खुदा उनके तौफीक दे कि हम इनकी हर तरह से सपोर्ट करें, माली तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, मॉरली हर तरह से इनके साथ साथ चलें, ताकि ये कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। खुदा उनके शुक्र हो। जो लोग अभी रास्ते में, खुदा उनके लिए भी दुआ करते हैं कि सही सलामत तेरे हुजूर में आ जाएं। और इस प्रोग्राम को देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए भी दुआ है खुदा कि तू उन्हें कसर से बरकत दे और कसर से इस्तेमाल कर इस चैनल के लिए, ताकि इस चैनल के जरिए उन तमाम हम बढ़ती हुई रूहों को तेरे हुजूर में ले के आ सकें। तो इस दुआ को सुन अब आप तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। मैं शाजीदीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी हमारी हेल्प करें। यीशु दुनिया का नूर। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। आमीन। अब मैं दावत दूंगा जनाब शमशाद बरकत साहब को और सिस्टर कमलेश को, ये प्रेयर शॉल देंगे कि ये इसी तरह खुदा की खिदमत करते रहें। ये खास तौर पर इसराइल से लाई गई है। सिस्टर कमलेश सिस्टर पैम को शॉल देंगी, और मैं दावत दूंगा जनाब मौसम क्रिस्टोफर साहब को और उनकी वर्शिप टीम को कि वो सामने आएँ और हमारे लिए खुदा के गीत गाएं और हम सब उनके साथ इस वर्शिप में शामिल हों। भाई क्रिस्टोफर आपने बहुत दिन, भाई ज्ञान भी उनके साथ हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि ग्लोरी टीवी पे ये वर्शिप हम तो सना में हमारी हर तरह से मदद करते हैं।
ये मल्टी टैलेंटर हैं, ये ट्रांसलेशन भी बड़ी अच्छी करते हैं। अभी थोड़ी देर में आप ये सुनेंगे इनके तो उस हुनर को भी, लेकिन खुदा हमको सलाम है कि वो हमें 9 साल तक लेके आया। और खुदाबंद जो हमारा खुदा है, बहुत बड़ा खुदा है, और रहती दुनिया तक ग्लोरी टीवी को चलाएगा, चलिए पाएगा, हालेलुया। और इस ग्लोरी टीवी में सबसे ज़्यादा जो हमारे जिनका हाथ है, पहले तो खुदाबंद का है, उसके बाद हमारे जो सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उनका है। और खुदाबंद उनको ताकत दे कि वो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और मेरी उनसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, जो जिन्होंने अभी तक ग्लोरी टीवी को कुछ अपना हिस्सा नहीं दिया या नहीं दे रहे, उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रूर इसमें हिस्सा डालें, ताकि खुदावंद का काम ऐसे ही चलता रहे। और सबसे हम सब उन लोगों के लिए तालियां बजाएंगे जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, इसमें हम सब शामिल हैं। आज हम सब मिलके इस ज़बूर को गाएंगे, तेरी सिफ़तां दे गाने हैं गीत, तेरिया सिफ़तां दे गाने गीत,
Oh,
टेलीविजन के नौवें बर्थडे पे केक कटाई की रस्म करेंगे। इसी दौरान में भाई ज्ञान हमारे साथ खास जो गीत उन्होंने तैयार किया इस बर्थडे के लिए वो भी हम उनके साथ मिलकर गाएंगे। कलाम में लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। आए हक ताला मेरे, मैं तेरी सताइश करूंगा, जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हुजूरी के सबब से लज़्ज़त खाते और हलाक हो जाते हैं। आमीन। तो देख के वो भी हमारे साथ पूरी तरह से शामिल हैं और आज ये खुशी आप सबकी वजह से है, चाहे आप फिजिकली यहाँ पे नहीं मौजूद लेकिन आपकी दुआओं की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से आज हम इस नौवें बर्थडे पे यहाँ पे मिलके इकट्ठे हैं। और खुदावन वो दिन भी लाया है कि आप भी हमारे साथ एक दिन इसी तरह बर्थडे पे शामिल हों, ना कि सिर्फ बर्थडे पे लेकिन जब जब भी ग्लोरी का कोई प्रोग्राम हो आप उसमें शरीक हों। तो हम आप सबके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो यहाँ पे नहीं आ सके, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पे ग्लोरी टेलीविज़न की टीम की तरफ से, उनके चलाने वालों की तरफ से, सिस्टर पैम, भाई सरफराज, उनके ख़ानदान की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन दुआओं के लिए, मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो आज के दिन तक आप देते आए हैं और देते चले जाएंगे। शुक्रिया। हालेलुया। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं यही कहूंगा ग्लोरी टीवी वाले ये महफिल सजाइए, ये सोने खुदावंद का चैनल है जो उदे मुंह दी गल्लां उदा पाक कलाम घर घर दे विच पहुंचाउंदा है। हालेलुया। ग्लोरी टीवी वालिया फुल सजाइए, फिर ग्लोरी टीवी दी सर गिराइए, ये
चलता है हर दिन चलता कुछ कभी तब गल सारे चलता दिन रात चलता है हर दिन चलता कुछ कभी तब गल सारे चलता अज वो खाब मन हिफाजत की है और खुदावंद की मर्जी के नाल ही यह चैनल चलता है कि अपने जलाल वास्ते वो चला रहा है। हालेलुया। मैं एक बार जरूर आखांगा कि प्लीज सपोर्ट ताड़ी सारे की सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि असी उन्हां लोगों नूं कलाम सुनाउणा जिन्हां तक यह दिन पहुंचा। हालेलुया। आमीन। मैं दरखास्त करूंगा ब्रदर हरपाल से वो सामने आ जाए। तालियां। ये केक आप सबके लिए है। जितने आप ग्लोरी टीवी को देख रहे हैं घरों में ये सब ये केक खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए है और आप सबके लिए जहाँ जहाँ ये आवाज़ जा रही जी धनो भाइयों ये आपके नाम करता हूँ। आप इस खुशी में आप सब शामिल हैं। आमीन।
मैनू और सारे अपने जो भाई भैन ग्लोरी टीवी भैन सरफराज ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी वेलकम यू हेयर थोड़ा स्वागत करते हैं और केक कटिंग के बाद हम आप अरदास शामिल होवे और आओ सारे अपना सिर झुकाइए और अरदास करिए। प्रभु जी असं थोड़ा धन्यवाद करते थोड़ा शुक्र करते हैं कि तुसी जगत बनन तो पहला ही तुसी सानू सारे नू प्रभु बच्च होण दे लई प्रभु जी चुन लिया सी। तुसी प्रभु जी सानू इन्ना प्यार किया ईवन जगत के शुरू बच्च ही साडा मसीहा ओ बलि चढ़ाया गया और जो टाइम आया प्रभु जी और तुसी एक औरत दे विचों जन्म लैके इस धरती के उपर आए और शब्द मनुख बनया और साडे विच आया और सच्चाई नाल भरपूर होके कृपा दे नाल भरपूर होके और अज असी प्रभु जी थोड़े जो कृपा हुई है साडे महान कृपा हुई है चैनल तुसी शुरू किया है 9 साल पहला प्रभु जी थोड़ा वचन फिलिपियां दी पहला चैप्टर दे 4-5 आयत विच कहिंदा है कि जो तो तुसी काम शुरू करते हो वो तुसी वफादारी दे नाल नेपड़े चाढ़ते हो सिरे चाढ़ते हो प्रभु जी। असी अज तुहाडे इस वफादारी दे वास्ते प्रभु जी तुहाडा शुक्र करते हैं तुहाडा धन्नवाद करते हैं और असी ये अरदास करते हैं प्रभु जी जिस तरह तुसी 9 साल तक इस ग्लोरी टीवी का तुसी साथ दिता है सिस्टर टैम का भाई सरफराज का साथ दिता है इस तरह ही आने वाले सालों में भी प्रभु जी अपने मेहर भरे हाथ इन्होंने सिर पर रखना और ग्लोरी टीवी प्रभु जी जिस तरह चलता आया है उस तो होर अगे भी बहुत अच्छी तरह चले प्रभु जी और जिस तरह पहले दिन तो ही रूह बचाता आया है प्रभु जी उस तरह ही अगे भी बहुत सारिया रूह बचिया बचन प्रभु जी और थोड़े नाम की वड्याई हो गए और अज असी प्रभु जी भैन भैन और भाई सरफराज को थोड़े हाथों से देंगे हाँ और असी ये अरदास करते हैं प्रभु जी कि तुसी इन्हों अपनी शक्ति बख्शो अपनी कृपा बख्शो प्रभु जी इन्हों अगे अगे होके चलो प्रभु जी और थोड़े नाम दिया प्रभु जी ये जो इन्होंने उच्चा करन दा बीड़ा चुकिया है प्रभु जी इस विच इन्हों सफलता देनी इन्हों ब्लैस करना इन्हों होर अकल देनी प्रभु जी लीड करना ताकि थोड़ा काम जो है प्रभु जी जो शुरू होया है ओहो उदों तक चले प्रभु जी जदों तक सारिया रूहां बच जान प्रभु जी थोड़ा शुक्र करें थोड़ी वड्याई करते हैं प्रभु जस मसीह के नाम में खाना खावे स्टार्टर लवेंगे सो अब चलो आप वी से द ग्रेस प्रभु जी असं थोड़ा शुक्र करते हैं कि तुम सानू सही सलामत इस जगह तो लैके आए और असी खाने के वास्ते अरदास करते हैं प्रभु तुम खाने ब्लैस करो असी खाइए और तंदुरुस्ती पाइए और थोड़े नाम की वड्याई करिए प्रभु जस मसीह विच होके सुन लवी वचन खुदा दे पानी चेलियां ली सच दी उचारदा करो धन्नवाद उदा
कल दा सनेहा जसू प्यार दा करो धन्यवाद योदा कल दा सनेहा जसू प्यार दा करो धन्यवाद योदा। रोकिया तूफान यसू झील विच आया जेड़ा डुबदे ओबेड़िया नू तारदा करो धन्यवाद उदा कल दा सनेहा यसू प्यार दा करो धन्यवाद उदा कल दा सनेहा यसू प्यार दा करो धन्यवाद उदा। धन्यवाद कल दा सनेहा यसू प्यार दा करो धन्यवाद प्रभु दे मैं दर्शन करूंगी पाके प्रीतां गूड़ियां कल दा सनेहा यसू प्यार दा करो धन्यवाद प्रभु दे मैं दर्शन करूंगी पाके प्रीतां गूड़ियां कल दा सनेहा यसू प्यार दा करो धन्यवाद
ने यीशु से कहा, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी तो तेरे चरणों में है। रब जावां लख मैं पूरब जावां पावे लख मैं पछम जावां जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल लख मैं पूरब जावां लख मैं पूरब जावां पावे लख मैं पछम जावां जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल जिंदगी यीशु कोल थक गया दिल दा करार मैं लब लब थक गया दिल दा करार मैं किधरे भी वेखे आना यीशु जे प्यार मैं किधरे भी वेखे आना यीशु जे प्यार मैं लख मैं गोते खावा लख मैं गोते खावा पावे लख मैं डूबण जावा जिंदगी यीशु को जिंदगी यीशु को जिंदगी यीशु को जिंदगी यीशु को तकदीर नूं पहला कर पाप फिर रोमा तकदीर नूं था था वखांदा फिरां हाथ दी लकीर नूं था था वखांदा फिरां हाथ दी लकीर नूं लख मैं हाथ वखावां लख मैं हाथ वखावां पावे लख मैं फाल कढ़ावा जिंदगी यीशु कोल 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 लख मैं पूरब जावां लख मैं पूरब जावां पावे लख मैं
अच्छम जामा जिंदगी यीशु को 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 जिंदगी यीशु क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए तबाह न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है, क्योंकि इस खिदमत के अंजाम देने से ना सिर्फ मुकदसों की एहतियाजें रफा होती हैं बल्कि बहुत लोगों की तरफ से खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी होती है। और इसलिए कि जो नियत इस खिदमत से साबित हुई उसके सबब से वो खुदा की तमजीद करते हैं कि तुम मसीह की खुशखबरी का इकरार करके उस पर ताबियादारी से अमल करते हो। आमीन। आप सबका शुक्रिया कि आप इस शुक्रगुजारी की दावत में आए और हम सबको इनकरेज किया। प्रोग्राम
कि बाकी हिस्से में हम अब खुदा के कलाम को सुनेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं बहन पैम को दावत दूँ कि वो खुदा उनका कलाम जो उसने अपनी बंदी को आज मेरे और आपके लिए दिया है हम तक पहुँचाए, मैं चंद चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस डेकोरेशन को तैयार किया और पसे पड़ता रह के वो ग्लोरी चैनल के लिए बहुत सी खिदमत कर रहे हैं। उनमें मैं अजहर, गुलशन, किरण, जोशवा, शाजिया, मोजेस, नदीम, इन सब के लिए भरपूर तालियां से आप इनका शुक्रिया करें। और ख़ास तौर पर मैं अपने भाई शेंगी का शुक्रगुजार हूँ कि जो बॉम्बस ड्रम के ज़रिए से रिदम का जो भी कमी पेशी है वो पूरी करते हैं हर मौके पे, हर प्रोग्राम में वो भाई क्रिस्टोफर के साथ होते हैं और वो रिदम पे इनका साथ देते हैं। इनके लिए भरपूर तालियां हैं। और सिस्टर कमलेश के लिए भी, ये सिस्टर पैम के साथ साथ उनके हर प्रोग्राम में बहुत ही मदद का बाइस बनती हैं। ये वो लोग हैं जो पसे पड़ता ज़्यादा रहते हैं। और खास तौर पर हमारे ये जो कैमरा पे हैं बेटा उधर, ये बहुत ही ज़्यादा तालियों के लिए हकदार हैं क्योंकि इनकी बनाई जो भी रिकॉर्डिंग है दिन रात आप देखते हैं और जो प्रोग्राम ये रिकॉर्ड करके एडिट करके सिस्टर के साथ दिखाते हैं, ये हकीकत में उस तारीफ के हकदार हैं। थैंक यू। के लिए भी शुक्रगुजार हैं, वो भी आज इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं और उनकी कवरेज भी आप टेलीविज़न पे देखेंगे। आप सबके लिए शुक्रगुजार। अब आपकी तालियों में मैं सिस्टर पैम को दावत दूंगा कि वो आएं और खुदा का कलाम जो आज उन्हें दिया गया है वो हमसे शेयर करें भरपूर तालियों के साथ। Well, I'd like to say thank you, first of all. सब तो पहले मैं सारे खुदावंद का शुक्र और धन्यवाद करने चाहनी तोड़ा सारे। I would love all of us to lift up our hands towards heaven. और आप सारे हाथ अपने आसमान वालों चकिए। Can close our eyes. आप अपनी आँखें बंद करांगे। And place our focus on the throne where Lord Jesus is seated. और आप प्रभु यीशु मसीह जो तख्त पर बैठे हैं उन्हें वाल देखिए। Where he is seated on the right hand of Abba Father. वो अपने पिता दे साडे पिता दे उस सज्जे हाथ बैठे हुए हैं। Let's begin to thank him and love him. आओ आप उसका शुक्रगुजार करिए और उसमें प्यार करिए। Because there is no other name than the name of Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह नाम तो बिना और कोई नाम नहीं देता गया। The name is Yeshua Hamashiach. और प्रभु यीशु मसीह हसन हमशिया है। The name is Yesu Masih. और नाम है प्रभु यीशु मसीह। The name is Jesus Christ. और यीशु मसीह। The name is Alpha and the Omega. और नाम अल्फा और ओमेगा है। The name is the beginning and the end. और शुरू के अंत है। He is the light of the world. और दुनिया की रोशनी है। Let's begin to thank him. Every mouth should open and praise his holy name. Heavenly Father, we thank you, we love you, we praise you, we worship you, Lord. With every breath we say thank you. We say thank you, we thank you. Thank you for the throne. Thank you for giving us the access to approach that throne of our Abba Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let your light shine upon us once again today, Lord. Let your light come from heaven and touch our hearts, soul, spirit, and body, so that we may be one as you are one in Father. Hallelujah. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 It gives me great joy to be standing here. और बहुत खुशी वाली गल है कि आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। I have joy because you are all faithful. क्योंकि मैं खुश हूं कि तुम सब वफादार रहे हो। You are faithful unto your calling. और जो कि तुम्हारा सिद्धा दत्ता गया उसने faithful रहे हो। And you are the people of God. और तुम परमेश्वर के लोग हो। And you know how to give thanks. और तुम्हें पता है कि धन्यवाद किदा करना है। Shall we all stand and put our hands together and give thanks to the Almighty God? You may be seated. So I want to give thanks to the Almighty God. And here is a very
beautiful verse that I've taken out of the scriptures out of the Word of God. और एक बहुत ही सुंदर जड़ी वर्स मैं बाइबल में चल रही है. I will read in English, then our brother will help us to read in Urdu. और मैं इंग्लिश ही पढ़ांगी तो एक कोई ब्रदर उर्दू में पढ़ेंगे. And if anybody's got a Punjabi Bible, you're most welcome to come forward and share this. और अगर किसी को पंजाबी बाइबल है तो वो आके पढ़ सकते हो. The book of Ephesians chapter 5 verse 19 to 21, the Bible teaches us how to give thanks. और इफिसियों की किताब में लिखा गया है पढ़ते हैं कि कितना से खुदावंद का धन्यवाद करना है. We give him thanks by singing. ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We give him thanks by playing music. ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. And hear it how it reads. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ. Sing and make music in your heart to the Lord. ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਗਾਓ ਔਰ ਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਓ. Let's all say, sing and make music. ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ. In your heart to the Lord. In your heart to the Lord. Always giving thanks to God. Always giving thanks to God. The Father for everything. Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ. In the name of our Lord Jesus Christ. Submit to one another. Submit to one another. Out of reverence for Christ. Out of reverence for Christ. Especially the last verse, I really want you to address to one another as I will address my brother Christopher here. और आखिरी जरी वर्ष से आसी एक दूसरे को सामने लो क्या के कहाँगे? Let's say this to each other. I will say to brother, submit to one another. Submit to one another. Out of reverence for Christ. Out of reverence for Christ. And in Punjabi, I will say. Okay. Submit to one another. और एक दूसरे के अधीन हो जाओ. Out of reverence for Christ. और प्रभु यीशु मसीह की इज्जत करके. Amen. इफिसियों 5 भाग उसकी 19वीं आयत से लेकर के 21वीं आयत तक और आपस में मज़मून और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो. आमीन. सब मिलके हम पढ़ेंगे आखिरी वर्ष और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो. प्रेज़ द लॉर्ड. पिछले काम करने वाले कह सकते कि बहुत ही अच्छे ग्लोरियस 9 साल जिहड़े kind of voices up high and says amen 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 and I'm sure all of us are very humble today and because we are celebrating the goodness of our loving father kyunki apa parmeshwar di ohdi jehdi achhai hai usnu mana rahe han not just goodness but his beauty also we are celebrating assi ohdi jehdi sundarta hai usnu bhi mana rahe han we are celebrating the beauty of our heavenly father through his son Jesus Christ prabhu yesu masih ke द्वारा असि उसकी जो सुंदरता उसनु मना and then we should all say amen 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 एक बार और आमीन 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 let's put our hands together and one say from our heart amen 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 so we're celebrating his beauty and his grace and also his goodness aur khudaawand di achhai odi jehdi grace ya di kripa hai usnu mana rahe han because this gives glory to our heavenly father is tarah khudaawand prabhu khudaawand nu usnu jalal milda hai and when our hearts are full of thanksgiving we sing songs to him jo sade dilan vich bahut khushi hundi hai te assi oda dhanwad karde hain geet gaunde hain we respond in singing god's praise not just to god but to one another also assi sirf khudaawand nu usdi kripa layi nahi par ek dooje di kripa waste vi kehnde hain we enjoy the blessings of our father every single day say to yourself I enjoy God's blessing each day every day I enjoy God's grace every day main har roz khudavand ki barkat ko mamuri se leta hu ya leti hu hallelujah thank you Jesus we have success in our exams
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਜੋਏ ਆਫ ਆਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਜੋਏ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੂਡ ਇਨ ਆਰ ਫ੍ਰਿਜ ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਗੋਡਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਔਰ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਇੰਜੋਏ ਆਰ ਗੋਡਸ ਰਿਚ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਪੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਯੂ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਫਲੈਸ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਬਟ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਅਸ ਇਟਰਨਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਥਰੂ ਹਿਸ ਸਨ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਗਿਵ ਹਿਮ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਟੇਸਟ ਦੋਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੇਅਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਹਿਸ ਵਰਡ ਦ ਗੋਸਪਲ ਆਫ ਆਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗੋਸਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਵੈਨ ਦਿਸ ਗੋਸਪਲ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ ਇਟ ਬਰੋਟ ਲਾਈਫ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਟ ਬਰੋਟ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਾਈਟ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੈਨ ਦਿਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੇਮ ਇਟ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਮੀ ਇਟ ਬਰੋਟ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੈਨ ਦਿਸ ਗੁੱਡ ਗੋਸਪਲ ਕੇਮ ਟੂ ਦਿਸ ਅਰਥ ਇਟ ਬਰੋਟ ਫੁੱਲ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਗਿਵਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਥਰੂ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਫੈਮਲੀ ਆਫ ਗੋਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਡਾਪਟਡ ਇਨਟੂ ਦ ਫੈਮਲੀ ਆਫ ਗੋਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਸਿਨ ਦੈਟ ਵਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਸ ਹੈਸ ਗੋਨ ਫੋਰਐਵਰ ਹੈਸ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ ਫੋਰਐਵਰ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ Now you and I, how do we respond to God's goodness? ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅਛਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? How do we give thanks for some good things that take place in our life? ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? What do we do to celebrate, to tell the world that we are thankful, we are grateful to our Father? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ? Because you and I know that the world celebrates in a different way. ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਫਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। But you and I come humbly to give thanks. ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We have melodies in our heart, melodies of love in our heart. ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਲੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। And we have songs of praise on our lips to when we give thanks. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ। So there's a blessing that flows from the throne. ਔਰ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। That's something that my heart catches, that blessing from throne, it comes into my heart and our heart catches it. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੰਦੀ ਹੈ। It comes in your heart, it comes in my heart, it comes in all those who are invited to give thanks today, it has come into our hearts. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। So this evening we're responding by singing. ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। We are giving thanks by looking at each other and admiring one another and blessing one another. ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। And let me tell you something really awesome. ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। We are not here just alone, whatever number of people are here, but there are heavenly hosts here celebrating this Thanksgiving. Hallelujah! Hallelujah! Let me give you another exciting and breaking news with this. We are giving thanks because Father, Son and the Holy Spirit is in. So that's why we can all respond with the Spirit that is within us. ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਹੱਗ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਸਪੋਂਡ ਐਂਡ ਸੇ ਗਲੋਰੀ ਬੀ ਟੂ ਗੋਡ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਆਖ ਪਾ ਕੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਡ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਦਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਬਾ ਫਾਦਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਨਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਸ and goodness is all onto our father in heaven aur jo kuch bhi assi karde khudaawand di tareef oda shukr ho sab khudaawand de takht te ke janda hai so today as we have the angels with us
ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਹੈਵਨਲੀ ਹੋਸਟ ਵਿਦ ਅਸ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਫਾਦਰ ਸਨ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿਦ ਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਔਰ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨਸ ਵਿਦ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹਿਸ ਹੋਲੀ ਨੇਮ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ ਗਿਵ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਟੂ ਅ ਗੋਡ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਫॉर द 9 ਇਅਰਸ ਦ 9 ਗਲੋਰੀਅਸ ਇਅਰਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਔਰ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿੰਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਥੈਂਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂਜੂਲੀ ਅਸ ਬਿਲੀਵਰਸ ਵੀ ਸੇ ਲੈਟ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਰਿਜੋਇਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਥੈਂਕਸ ਆਨ ਟੂ ਦ ਲਾਰਡ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਮੋਸਟ ਟਾਈਮਸ ਵੀ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਬਿਲੀਵਰਸ ਵੀ ਟੇਕ ਆਰ ਫੇਥ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਐਂਡ ਵੀ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਓਕੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਟ ਟੈਲਿੰਗ ਦ ਵਰਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਨੋਲੇਜ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ ਬਟ ਯੇਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਸਬਮਿਟ ਟੂ ਅ ਗੋਡ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਓਕੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅ ਫੋਰਸ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅ ਪਾਵਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਅ ਨੇਮ ਦੈਟਸ ਅਬਵ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਨੇਮ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹਾਨ ਹੈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬਿਫੋਰ ਸਮਵਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਮਵਨ ਹੂ ਨੋਜ਼ ਅਸ ਸੋ ਵੈਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ His name is Yeshua HaMashiach. ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। And he sees you and me as we are giving thanks to our heavenly holy father. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। And the holy spirit is rejoicing with us. ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। So today we are going to say let all the world praise with us. ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ। We will praise our maker. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਸਾਈਡ ਅਸ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਵੌਇਸ ਟੂ ਸਿੰਗ ਟੁਨਾਈਟ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਪ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗਾਣ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਏਕੀ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਵੀ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੇਵ ਆਰ ਹੈਂਡਸ ਵਿਦ ਜੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੁਖਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕੀਏ ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫੋਰਸ ਦ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਅਸ ਹੂ ਕੈਨ ਸਟਰੈਂਥਨ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਂਡ ਹੂ ਕੈਨ ਰੀਨਿਊ ਯੋਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਯੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦ ਈਗਲਸ He can strengthen us. ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ because I'm standing in the presence of the most high god ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ and there is no abstraction there is nobody to disturb me so please just be yourself today ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ let no bad memory haunt you ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ the little bad experience that I've had in the past 9 years you know even that doesn't bother me today ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ bad experience ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ I choose to bless you and bless everyone who's watching glory tv ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ glory tv ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ I stand before jehovah ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ jesus christ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ who is my god and your god ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ so I will praise with you all today ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ I will celebrate today with all of you ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ we will sing we will rejoice ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ because we want to give praise and thanks unto our heavenly father ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ amen let's rise to our feet amen ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ First, can you come and pray and give thanks for all the glory parivar, all the partners, everybody who can hear what God has done for little people like you and me. We are very little. I don't know about you. You might have a big house, big bank balance, bigger relation than us with Holy Spirit. But all I know that sufferers myself are very little, very small, and we do not deserve any praise from anyone. We do not deserve anything from this world but I want you to see us under being covered under the blood of Lord Jesus I want you to see as the father sees Safraz and myself under the blood of his son please see us like that and we just want your prayers and we just want your warm love and nothing else so I want to say us Safraz that we feel very emotional at this time explain ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਅ ਵੂਮਨ ਆਮ ਟਿਪੀਕਲ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੂਮਨ ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਨ ਮਾਈ ਵੇ
और मैं अपने तरीके ना खुदावंद दा शुक्रगुजार हां। I want Sarfaraz to give his thanks in his way। और आज ब्रदर सरफराज जिहड़े है अपने तरीके दा ना खुदावंद दा शुक्र करेंगे। हेलो जी अजीज भानो भाइयों, आए अपने सरों को झुका लें, अपनी सोचों को खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएं, अपने दिलों को खुदावंद के सामने खोल दें खुदावंद, और शुक्रिया अदा करें जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद यही चाहता है कि हम इकट्ठे हों और उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें, उसको प्यार करें, उसके उसको छुएं। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। अपने होठों को खोले अजीज भानो भाई, जितना जो भी कुछ गैर जुबानों में बात करना चाहे खुदावंद से बात करे, वो जो बोलना चाहता है गैर जुबानों में बोले, अपने होठों को खोले, शुक्रिया अदा करें। आपकी इंडिविजुअल जो आवाज है खुदावंद यीशु से सुन रहा है, वो हम इकट्ठे के ये ना समझे कि हम शोर कर रहे हैं, बल्कि आपके दिल की आवाज को खुदावंद यीशु से इस वक्त सुन रहे हैं। हालेलुया जीसस, ओ तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। अपनी अपनी जिंदगी के लिए खुदा से शुक्रिया अदा करें, अपनी जिंदगी के अपने बच्चों के लिए शुक्रिया अदा करें, और खुदा ने जो आपको टैलेंट दिया है, गिफ्ट दी, उसका शुक्रिया अदा करें, और खुदा ने आपको इस्तेमाल करा, जितने अजीज हैं भाई टेलीविजन के जरिए से सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ आप खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा का शुक्र करें, तो खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, और रूहें बच रही है, रूहें खुदा के पास आ रही है, खुदा का जो घर है खुदा से भर रहे हैं। हालेलुया, 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 ठीक तेरे यीशु नाम को जलाल देते हैं, तेरा शुक्रिया खुदा आज के दिन के लिए और इस जगह के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं, तेरा खुदा इसको ब्लेस कर, खुदा तेरा लहू लगा देते हैं, तेरा खुदा शैतान की शक्तियों को आज तेरे यीशु नाम से काटते हैं। शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, और यीशु मसीह हारते हैं। हालेलुया, और तेरे लोग खुदावंद पाते हैं, पता मंद है तेरा खुदा, इसलिए खुदावंद 9 साल खुदावंद आपने अपना हाथ ग्लोरी टीवी पर रखा प्यार खुदा, इसीलिए प्यार खुदावंद तूने अपना हाथ कलीसिया के ऊपर रखा प्यार खुदावंद। हालेलुया, जितने इंग्लैंड में प्यार खुदावंद, यूरोप में जहां जहां खुदावंद ग्लोरी टीवी की आवाज जाती है, खुदावंद तेरा हाथ वहां तक है प्यार खुदावंद, अपने लोगों पर कलीसिया पर, और खुदावंद उनको ब्लेस कर ताकि वो आगे प्यार खुदावंद तेरे यीशु नाम को जलाल दे, तेरे यीशु नाम को, तेरी खुशखबरी को, तेरी गवाही को लेकर जाने वाले बने प्यार खुदावंद। जितने अजीज यहां आए हैं, बच्चे आए हैं, दूर दराज से दूसरे ममालिक से खुदा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, खुदा अपनी बाहों में ले ले खुदा, अपनी बाहों में खुदा, ओ खुदा खुदा भींच ले प्यार खुदा अपने साथ प्यार खुदा, ताकि खुदा खुदा तेरा प्यार, तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत इनके अंदर चली जाए, इनके दिल भर जाए खुदा, इनके दिल खुदा खुशी से भर जाए, इनके दिल खुदा मोहब्बत से भर जाए, ताकि जहां जहां ये तेरा कलाम दे प्यार खुदा, तेरी मोहब्बत को खुदा प्रचार करे, तेरी मोहब्बत का प्रचार हो, बच्चों के साथ हो प्यार खुदा, खुदा इस घर को खुदा तूने जो यहाँ अजीज बैठे हैं आज आए, खुदा मन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, तूने उन्हें हिम्मत और ताकत दी कि खुदा इस खुशी में शामिल हो प्यार खुदा, खुदा ये तेरी खुशी है प्यार खुदा कि हम इकट्ठे हों, यूनाइटेड हों, ताकि खुदा इकट्ठे मिलकर खुदा तेरी बंदगी, तेरी इबादत करें। ओ हालेलुया, तूने कहा मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरे लोगों को जाने दे। आज खुदा मांग लेते हैं खुदा इस दुनिया में से प्यार खुदा, ओ खुदा तेरे लोग निकल जाएं प्यार खुदा, इकट्ठे हों और तेरी इबादत करें, इस इबादत को खुदा कबूल कर खुदा, इस इबादत को आज की मीटिंग को कबूल कर ले प्यार खुदा, तेरे फरिश्ते बाड़ लगा कर यहाँ खड़े हैं प्यार खुदा, खुदा तेरे फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें प्यार खुदा, और हमारे घरों को, हमारी औलाद को खुदा, हमारे अजीजों को, हमारे खानदानों को, हमारी खुदा कलीसियाओं को प्यार खुदा तेरे फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्यार खुदा, के कलीसिया तैयार हो और खुदा तेरे साथ आसमान में जाए। हालेलुया खुदा, खुदा आगे जब बढ़ते हैं प्यार खुदा हमारी मदद कर खुदा, इसी तरह हमें हिम्मत ताकत दे, हम इकट्ठे होते रहें, इकट्ठे होते रहें प्यार खुदा, ओ हम इकट्ठे होते रहें ताकि तेरी गजलें गाएं खुदा, मजामीर गाएं खुदा, तेरी प्रस्तुत करें, तेरी इबादत करें, तेरे नाम को इस दुनिया में कोने कोने तक ले जाने वाले बन जाएं प्यार खुदा, ये सबसे खुदा हमारी रूहों को उजागर कर दे प्यार खुदा,
रूह को नूर से भर दे, हमारे दिल को नूर से भर दे प्यार खुदा, और हमारी हमारी जो सोचे हैं प्यार खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन देने के लिए इस्तेमाल हो प्यार खुदा। यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र खुदा। ब्लेस कर जितने अजीज भाई बहन भाई आए हैं, जो म्यूजिशियन है, जो साउंड है, और जो कुछ भी खुदा तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम गा बजा रहे हैं खुदा, प्रस्तुत कर रहे हैं खुदा, स्तुति तेरी गा रहे हैं खुदा, तेरे नाम को ऊंचा कर रहे हैं खुदा, हमारी बड़ी मदद कर प्यार खुदा। खुदावन आपने इस दुआ को सुना है क्योंकि खुदावन आप यहाँ मौजूद हैं प्यार खुदा, तूने इस दुआ को सुन लिया है, कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन। हालेलुया यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। इससे पहले कि हम कम्युनियन लें, आई विल रिक्वेस्ट ब्रदर मनोज एंड राहुल टू कम एंड हेल्प अस, और इस कम्युनियन को सर्व करने में पास्टर डैनियल नदीम जो हॉलैंड से तशरीफ फरमा है वो हमारे साथ इस पाक ईशा को कंडक्ट करेंगे। कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मजामीन और गीत और रूहानी गजलें गाओ, और कलाम ये काम जो कुछ करते हो वो सब खुदा यीशु के नाम से करो, और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। हम खुदावंद के खून और उसके गोश्त में शरीक हो, ये बड़ी फख्र की बात है मसीहों के लिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह के गोश्त और खून में शरीक हो। एक नई रिसर्च है, इससे पहले कि हम खुदावंद के खून और बदन में शरीक हो, कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ से खुराक लेता है, उसके खून की जो हलचल है वो माँ के खून से मिली होती है। लेकिन अभी एक नई रिसर्च है कि जो बच्चा माँ की पेट में होता है उस बच्चे का खून जो है वो माँ के खून के साथ उसकी कोई सर्कुलेशन नहीं होती। कहते हैं कि माँ से प्यार बच्चों को इसलिए होता है कि वो एक होते हैं, वो बिल्कुल एक होते हैं, लेकिन इसके पीछे खूबी ये है कि यीशु मसीह के रहो के अंदर खून किसी इंसान का नहीं था, ना तो किसी दुनियावी बाप का और ना दुनियावी माँ का। वो माँ थी उसकी, लेकिन उसके अंदर कोई इंसानी खून और गोश की मिलावट ना थी। जिसमें अभी आप शरीक होने जा रहे हैं वो पाक गोश्त और पाक खून। उसने रोटी ली और उनको दी और तोड़ी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। आमीन। लो पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का बदन जो मेरे लिए तोड़ा गया, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है। आमीन। आप भी आ सकते हैं और खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक हो सकते हैं। Thank you.
Oh,
खुदा रूह की बारिश। बाप हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं कि जब हम तेरे खून और गोश्त में शरीक हुए हैं तो खुदावंद हमारी सोच में एक तब्दीली आया, खुदावंद एक नई ताजगी और नई खुदावंद जिंदगी में कदम रखते हैं, नई सोचों में कदम रखते हैं। तेरा शुक्र करते हैं और ख़ास तौर पर जो तेरे दिए हुए में से तुझे वापस दिया, खुदावंद इसको कबूल कर, देने वाले हाथों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद आसमानी बाप जहाँ कहीं इस्तेमाल हो तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं और ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और बुजुर्ग नाम से। आइए हम सब अपने पैरों पर खड़े होंगे और खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब शरीक होंगे। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारा रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि तेरी शिक्षा कुदरत और जलाल हमेशा करते रहेंगे। अब हमारे खुदा उनके सुमसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पात्रों की रफाकत और शाकत हम सबों के साथ इसी तरह से होती रहे। आमीन। आमीन। महफूज रहे, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन। मौका है कि हम कुछ गेम्स वगैरह क्विज हैं, हमारे बच्चों ने ये तैयार की हैं बड़ी मेहनत से मोज़ेस और कीरे में, तो आपको भी मौका मिलेगा कि इस क्विज में जो भी उन्होंने गेम तैयार किए हैं शामिल होंगे और उसके लिए प्राइजेस भी हैं। मैं अब माइक किरण को देता हूं। अगर आपने किया है तो अपनी तालियों से बताएंगे आपने कितना एंजॉय किया। अभी हम कुछ गेम्स खेलेंगे ताकि आपके जो स्टार्टर्स हैं वो हजम हो जाएं, क्योंकि मेन कोर्स में अभी टाइम है। अच्छा, सबसे पहले रैंडमली क्वेश्चन, कोई ऐसा जिसके सॉक्स में पीला कलर हो, सब अपने सॉक्स चेक करें। जिसके सॉक्स में पीला कलर हो मैंने देखा है। नहीं, अगर किसी और के सॉक्स में पीला कलर है। पाजी साहब आप अपने सॉक्स देखे प्लीज। सॉरी, ये बिल्कुल सेटअप नहीं था, अजहर ने खुद ही पहने थे सॉक्स। लेट हो गया अंकल। प्लीज सारे किसी लेडीज जिनके बैग में रेड लिपस्टिक हो, जो सबसे पहले लिपस्टिक निकाल के यहाँ भाग के आएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। तालियां प्लीज। ओके, किसी के बैग में ट्रेन टिकट हो, ट्रेन नहीं ऑस्ट्रेलियन तो अच्छा, ये क्वेश्चन लेडीज के लिए जो आंटीज हैं, ठीक है लेडीज, किसी के बैग में प्रिस्क्रिप्शन हो, मेरे है, है? ये तो मेडिसन है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थी।
ओके अच्छा आज यहाँ मैं आने वालों में जो सबसे ज्यादा दूर से आया है नहीं नहीं हॉलैंड से नहीं ओके अब ये जो गेम है ना ये इसमें हमने कुछ चिट्स पे कुछ लफ्ज लिखे हैं कुछ वर्ड्स हैं और जिसके पास ही आएगी मौजूद हर टेबल पे जाएगा और उस टेबल में से एक जो है वो इस चिट को निकालेगा और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है उससे आपको कोई गीत या जबूर गाना है और वो उसकी पहली लाइन में आना चाहिए। आप टेबल नंबर 10 से स्टार्ट करो। गो टू टेबल नंबर 10। प्लीज आप खड़े होके मुझे बताएंगे। अच्छा उर्दू में अगर कोई वर्ड होगा तो प्लीज आप अपने किसी पास वाले से नहीं पढ़ा जाएगा उसे इस तरह मुझे आप मुझे प्लीज उनकी हेल्प करें अगर आप प्लीज जीवन जीवन आपको माइक नहीं करते आप प्लीज यहाँ पे आ जाएं अपनी चिट लेके आप यहाँ पे आ जाएं इससे ये माइक जी मेरा साथ देना सारे ऐसी गीत मिल के गावे एक माइक हो जो कर भाजी ने कि गाना है एक लाइन ऐदा तो नहीं ना गाना तो हम पूरा गाओ दो लाइन गावे हेलो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे सब कुछ है इसलिए हम आपका मुंह मीठा कराएंगे तो आपको कुछ नहीं देंगे आपकी हेल्प कर सकती है उर्दू पढ़ने में आप इधर लेके आ जाएं प्लीज आप सारे टेबल वाले आ जाएं Thank you.
प्लीज तालियां बजाए सबके लिए। मुकाशवा की किताब के कितने बाप हैं? हाँ जी टेबल नंबर वन। प्लीज सारे क्वेश्चन सुने, अगर उन्हें नहीं आएगा तो हम पास से डन कर देंगे। आदम को खुदा ने कौन सा दिन बनाया था? हाँ जी नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन आंसर कैसे करते आदम को खुदा ने कौन सा दिन बनाया था? ओल्ड टेस्टामेंट के फोर जो है किंग्स में उनका नाम लूंगी, आपने उनको ऑर्डर में करना है कि सबसे पहले कौन सा किंग था? दाऊद, सुलेमान, साउल और जोसाया। ऑर्डर में भी David, yes? No. Yes? Yes. Thank you. Oh, the name is
Thank you.
अपील करता हूं कि इसकी छांव में आ जाए, इसके साथ मिल जाए, ताकि ये पौधा बढ़ता 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 ही चला जाए। अदद नौ नहीं है बल्कि और भी अदद बाकी है। अदद अगर गिनना चाहें तो अदद बेशुमार है, नौ महदूद नहीं है, लेकिन एक से चला है। इस वक्त मैं आप सबकी इजाजत से मरकज 13 बार उसकी 35 आयत में लिखा है, फस जागते रहो, फस जागते रहो। घर का मालिक कब आएगा, शाम को, आधी रात को, या सुबह को, या मुर्ग के बांग देने तक? एक को नहीं सबको कहता हूं जागते रहो। मेरे अजीजों, ग्लोरी टेलीविजन जाग रहा है, जहां जहां भी ग्लोरी टेलीविजन चल रहा है लोग जाग रहे हैं और मुस्तफीज हो रहे हैं। भाई यहां ठीक है, मैं फिर गुजारिश करता हूं बस जागते रहो। तीन शेर है सिर्फ, और मैं जब 28 जनवरी को पाकिस्तान से घर, अपने घर से लंदन में आया, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं ये गीत वहां गाऊंगा। दुनिया फानी, हालेलुया, ओडी कांते गए साल ते सदियां जे आ जावे ते चंगाए ओडी कांटे लिया शौफी दुआ जावे ते चंगाए बिजली मंगती रहती कुल दुनिया है आजादी, है आजादी। तू अपनी कौम रोंदी नू हसा जावे ते चंगाए, तू अपनी कौम रोंदी नू हसा जावे चंगा। सबके साथ को मैं फिर कहता हूँ, आप जब भी सुने खुदावंद की तारीफ करें और ग्लोरी को कभी ना भूलें। ग्लोरी आपका है और आप ग्लोरी के। जिसने वक्त निकाल दिया 8 साल,
नामे साल में शामिल होंगे। खुदा हमदा आप सबके साथ जय यीशु जी। आप सबको मुबारक। थैंक यू। खूबसूरत नामों के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे जिस्म की तवानाई के लिए खुराक मुहैया करता है। खुदावंद आसमानी बाप तेरा शुक्र हो इस खाने को आसमानी बाप तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपाते हैं और खुदावंद इसकी तमाम बुरी तासीरों को तेरे बेटे यीशु के नाम के से हुक्म देते हैं कि वो इसमें से ख़त्म होती जाए और खुदावंद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।
कर दे खुदा
माया